हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग चालू करते हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो नाम दिया गया है, ठीक है, वास्तव में इसको अगर अलग अलग करें तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक जूनियर क्लासों में आपने चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ही कारण आता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी बॉडी से निकल गए, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस हो गए तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी, ठीक, यानी कमी, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक, यानी उसके एक्सेस के कारण होता है। ठीक, तो चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यानी चार्ज जो है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है। इस ब्रांच में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के कारण, एक स्टेशनरी चार्ज रुका हुआ आवेश, ठीक, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक स्टैटिक चार्ज दूसरे स्टैटिक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक, यानी हमें स्थिर आवेश के कारण जो भी घटनाएं हैं, जो भी फिनोमेनास हैं वो पढ़ने हैं। ठीक, मूविंग चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट पर होते हैं। अब चार्ज रेस्ट पर कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होंगे, क्योंकि चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन से ही है। ठीक, तो इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन इन स्टैटिक पोजीशन, यानी जब इलेक्ट्रॉन रुके हुए हों। अगर किसी पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, वो निगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी, तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं वो उतने बने रहें, जिससे उसका चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा, वो चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस ब्रांच में हम लोग रुके हुए आवेश के कारण, जो आवेश मूव नहीं कर रहा, रुके हुए आवेश के कारण हम लोग विभिन्न घटनाओं का, ठीक है, अध्ययन करेंगे। ठीक, अलग अलग फिनोमेनास, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, कोई स्टेशनरी चार्ज, कोई स्टेशनरी चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किसकी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड फिनोमेनास बेस्ड ऑन दैट। ठीक, यानी रुके हुए आवेश के बारे में, ठीक है, जो स्थिर आवेश है और उसके कारण होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आखिर किसी चीज़ पर चार्ज आता कैसे है। तो ये बहुत जूनियर क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, वो एटम से मिलकर बनी हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कोई बॉडी है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन पर इतना निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डिजिट इतनी बड़ी हम बार बार ना लिख करके, जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को दिखाना होता है तो जनरली हम उसको प्लस ई और माइनस ई से दिखा लेते हैं। प्रोटॉन प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज है। ठीक, तो अगर किसी बॉडी में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 10 प्रोटॉन है 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन अगर है किसी बॉडी के अंदर, मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ, ठीक, कोई पार्टिकल उसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर चीज विद्युतीय उदासीन होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, अब मान लीजिए कि इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाए, सर जी प्रोटॉन क्यों नहीं बाहर आएगा? ठीक, आप जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, जो एटम का सेंटर होता है, वहाँ से उसका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह आप इस चैप्टर में, इसी इंटरमीडिएट में अपने पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एटम के बाहरी पार्ट में रहता है, वहाँ से वो बाहर आ सकता है। तो मान लीजिए इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो अब इसका कॉन्फिगरेशन ये हो गया कि इसमें 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन पर टोटल कितना चार्ज? 10 ही, और इस पर -9 ही, तो 10 ही चार्ज और -9 ही, तो कितना बचेगा? प्लस ही चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी हमने देखा
कि पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 ई प्लस चार्ज 10 ई माइनस चार्ज दोनों न्यूट्रल हो गए, ठीक, प्लस 10 ई और माइनस 10 ई मिल गया जीरो, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निगेटिव चार्ज घट गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से। अब इस पर बचा 10 ई प्लस चार्ज और माइनस 9 ई निगेटिव चार्ज, जिसको अगर जोड़ें तो प्लस ई चार्ज बचेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ई, उसके बराबर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस ही चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज कम हो गया, पहले निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर था, अब निगेटिव चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉडी पर, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो टू ही चार्ज आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो थ्री चार्ज आ जाएगा। तो मान लो अगर एन इलेक्ट्रॉन निकल गए किसी बॉडी से, एन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गए, तो उस पर जो चार्ज होगा वो प्लस एन ई हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस ही चार्ज आता है, एन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एन ई प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लियर है? 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एन का मतलब 10, तो 10 ही चार्ज हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर बॉडी पर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे बल्कि इस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे, तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा कि 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ई प्लस चार्ज और 11 ई का माइनस चार्ज। अब जोड़िए 10 ई और माइनस 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आ गया। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया है तो ई बढ़ गया, तो उस पर माइनस ई चार्ज आ जाता है। दो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस हो जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से माइनस ई चार्ज आता है, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो माइनस टू ई, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो माइनस 10 ई। तो अगर मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन इस पर बाहर से कहीं से आ गए तो इस पर एन ई माइनस चार्ज आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी चीज के, किसी भी बॉडी के आवेशित होने, किसी भी पिंड के आवेशित होने, यानी किसी बॉडी के चार्ज होने का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो निगेटिव चार्ज घटता जा रहा है, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती जा रही है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी, धनावेशित होती जाएगी। एन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एन ई प्लस चार्ज आ गया, और अगर बाहर से एन इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस पर एन ई माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, यहाँ एन क्या है, आने वाले या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा ई के इंटीग्रल स्टेप में ही होगा, पूर्ण गुणक होगा, ठीक। भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए मान लो तो 10 ई प्लस चार्ज आ गया, और 9 इलेक्ट्रॉन निकले होते तो 9 ई प्लस चार्ज आता। क्या किसी बॉडी पर 9.5 ई चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि या तो 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 9 निकले तो 9 ई प्लस चार्ज और 10 निकले तो 10 ई प्लस चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2 ई, प्लस माइनस 3 ई, प्लस माइनस का मतलब अगर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर बाहर से आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस ई चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस टू ई, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस थ्री। क्या सोचिए, इस पर कभी 2.2 ई चार्ज आ सकता है? 2.2 ई चार्ज नहीं आ सकता। यानी चार्ज किसी बॉडी पर जो होगा वो हमेशा ई के इंटीग्रल स्टेप में ही आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्वांटीकरण क्या होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ सर्टेन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू ही हो सकती है, यानी कुछ निश्चित मान ही हो सकते हैं, कोई भी मान हो जाए ऐसा नहीं होता, ठीक। तो हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक। क्वांटाइज्ड जो है इसको हिंदी में क्वांटीकरण कहते हैं, यानी हिंदी में भी तो एक तरह से वही नाम है इसका, ठीक। तो किसी चीज़ के क्वांटीकरण का, क्वांटाइज होने का मतलब होता है उसके कुछ सुनिश्चित मान ही होंगे, कुछ सर्टेन वैल्यूज ही होंगी, कोई भी मान नहीं हो सकता। जैसे किसी बॉडी पर जो चार्ज है उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू ही हो सकती है, और वो सर्टेन वैल्यू है ई, टू ई, थ्री, फोर ई, फाइव ई, कोई भी वैल्यू होगी। आप सोचे 2.1 ई हो जाए, 2.2 ई हो जाए, 2.3 ई हो जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो हमेशा ई के इंटीग्रल स्टेप में ही होता है किसी बॉडी पर, ई, टू ई, थ्री, ठीक है। तो इसे कहते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन, यानी किसी बॉडी पर आवेश के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं, चार्ज कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं ले सकता, ठीक। कि आप क्या सोचें कि 3.2 ई चार्ज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, 3.4 ई चार्ज हो जाए नहीं हो सकता, ये तो 3 ई होगा या 4 ई होगा, क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा ई प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 डैश डैश प्लस माइनस एन ई, अर्थात ई के पूर्ण गुणक में, इंटीग्रल स्टेप में ही होगा।
चार्ज कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, बल्कि कुछ निश्चित मान है उन्हीं में से कोई मान होगा उस पर, ठीक। तो कुछ निश्चित मानों में से ही कोई मान होगा, कोई भी मान, एनी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। समझ में आ गई बात, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग आते हैं कि कोई बॉडी जो है उसको हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं। किसी बॉडी को जो चार्ज करना है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी कैसे चार्ज की जाती है, तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक। किसी बॉडी को हम लोग तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन, ठीक। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक, यानी घर्षण के द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी चालन के द्वारा आवेशित करना, और चार्जिंग बाई इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा आवेशित करना। सबसे पहले चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो आप जानते हैं घर्षण होता है, ठीक। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन ये क्या चीज़ होती है, ठीक। आपने जूनियर क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर हम, ठीक, कांच की किसी छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक, तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। एक चीज़ निगेटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, तो रब करने से कभी कभी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट के जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और जिस पर पहुंच गए उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, वो निगेटिवली चार्ज हो गई। इसके कारण वो दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक निगेटिव चार्ज हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा होगा अपोजिट चार्ज में, अभी यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कांच की किसी छड़ को हम रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं, या ऐसे बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग कंघी करते हैं, ठीक, तो कंघे, ठीक, कॉम्ब और बालों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करने के कारण, अब रब कर रहे हैं तो उनके बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होता है, ठीक। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के रब करने के कारण एक के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर पहुंचे उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर बॉडी चार्ज हो गई, कैसे, फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा आवेश, ठीक। फिर आता है नंबर चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा, कंडक्शन या चालन के द्वारा, ठीक, आवेशित होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, या मान लीजिए एक पर चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और एक जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। जब एक चार्ज बॉडी को हम किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, चाहे सीधे टच करा दें या किसी वायर से जोड़ दें, तो चार्ज एक से निकल कर दूसरे पर जाता है, और कुछ देर बाद इस पर भी कुछ चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब कितना आएगा, इस सब के लिए रूल्स हैं, ठीक है, पोटेंशियल वगैरह जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन ये आप जान लें अभी कि अगर एक आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के संपर्क में लाते हैं, एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो चार्ज बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरे पर जाने लगता है, और कुछ देर बाद इस पर भी कुछ चार्ज आ जाता है, इसका चार्ज घट जाएगा, इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। कैसे, इसे कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा, क्योंकि एक से चार्ज निकलकर दूसरे पर आया। तो जैसे दो, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा दूसरे का कम, तो कांटेक्ट में रखते हैं, तो एक से हीट निकलकर दूसरे में जाती है। जब एक हॉटर बॉडी किसी कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में होती है, तो हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जाती है, आपने 11 में पढ़ा है, इसे हम लोग कहते हैं हीट का कंडक्शन, ठीक। वैसे यहाँ पे चार्ज का कंडक्शन है, ठीक, उष्मा चालन कहते थे, ये आवेश का क्या है, चालन है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसके बाद में आता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशित होना। अब ये चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, देखिए जरा, मान लीजिए कि कोई चार्ज बॉडी जो है, मान लीजिए कोई एक रॉड है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम किसी मेटेलिक स्फीयर के पास लाए, शायद आप लोगों ने जूनियर क्लासों में पढ़ा हो कि जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होते हैं, यानी अगर कोई जैसे मेटेलिक स्फीयर है तो इसके अंदर एटम होते हैं, और एटम आप जानते हैं न्यूट्रल होते हैं, हर एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो धातुएं होती हैं, जो मेटल होती हैं, उसके एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल आते हैं, मेटल से नहीं, एटम से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर कहीं भी घूमने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अब जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गया, तो उस एटम पर एक यूनिट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूनिट चार्ज किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है
उसी को हम लोग यूनिट चार्ज कहते हैं, इकाई आवेश, ई से दिखाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर किसी एक एटम से मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो उस एटम पर अब उस वो एटम न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस पर एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो जो मेटल होती है, जो धातुएं होती हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयन भी होते हैं एटम के फॉर्म में, ठीक, जो पूरे मेटल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक, पॉजिटिव आयन भी, ठीक, जो एटम है, और इलेक्ट्रॉन भी। तो पूरी बॉडी जो है पॉजिटिव आयन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो बॉडी तो न्यूट्रल रहती है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक ये पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड हम इस मेटेलिक स्फीयर के पास लाए मान लीजिए, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसमें जो पहले पूरे में फैले थे, अब इसके अट्रैक्शन के कारण इस ओर इकट्ठा होने लगते हैं। और चूंकि पहले में पूरे में इलेक्ट्रॉन फैले थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, लेकिन अब सब एक ही साइड में आ गए, तो गोले की ये साइड जो है स्फीयर की, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज हो जाती है, और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो इधर अब सिर्फ पॉजिटिव आयन ही बचे हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक, के कारण इसकी ये साइड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पूरा गोला अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन अब इसकी एक साइड निगेटिवली चार्ज हो गई और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और मान ली इसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है ये एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। और जब इस वाली इधर हमको 10 पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं, तो जब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो इन पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हो गए। लेकिन अब तो ये पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले पॉजिटिव निगेटिव आयन बराबर थे पूरे में, बस खाली निगेटिव उधर चले गए इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन उधर रह गए। लेकिन अब ये पॉजिटिव आयन जो है ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन एग्जैक्टली ये पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में नहीं जाता। हम देखते क्या है कि इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ से जोड़ते ही पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो हम देखते हैं कि अर्थ से जोड़ते ही पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो जनरली बोला जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो होता ये कि अर्थ से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन आया एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ, दूसरा आया दूसरा न्यूट्रल हो गया, तीसरा आया तीसरा, ऐसे जब इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, और अब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसे कहते हैं, ठीक है, कि बस खाली एक न्यूट्रल बॉडी के पास हमने एक चार्ज बॉडी ला के रखी और इस पर अपने आप चार्ज आ गया, चार्ज दिया नहीं, इसमें अपने आप चार्ज आ गया, ठीक। तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा आवेशित होना। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, सबकी समझ में आ गई बात, ठीक। इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसी विशेष बात है नहीं, कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रॉड को, ठीक, ग्लास की एक रॉड है, कांच की एक रॉड, इसको हमने सिल्क के कपड़े पर रगड़ा। द रॉड एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ प्लस 19.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। तो ग्लास पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज का बात है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका मतलब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और फिर वो कहाँ गए होंगे, मानी बात है सिल्क के क्लॉथ पे गए होंगे, ठीक। तो ग्लास रॉड पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, कह रहा है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई रॉड। रॉड से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसने खो दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का है खो दिए होंगे, ठीक। तो हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होता तो प्लस ही चार्ज आता, दो इलेक्ट्रॉन जाते थे तो प्लस टू ही चार्ज आता। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए जो प्लस इतना चार्ज है, तो मान लो कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय रॉड इज एन, यानी रॉड ने एन इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो आपके हिसाब से उस पर प्लस एन ही चार्ज आना चाहिए। हमने मान लिया कि रॉड ने एन इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ई चार्ज आता है प्लस का, एन इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो एन ही प्लस चार्ज होगा। पर क्वेश्चन तो कह रहा है रॉड पर इतना चार्ज आया है, तो आप एनी को इसके इक्वल कर दीजिए, 19.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। पूछा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए रॉड ने,
जो इतना पॉजिटिव चार्ज आया है, हमने मान लिया कि एन इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इतना पॉजिटिव चार्ज आया है, तो एन इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आपके हिसाब से उस पर चार्ज प्लस एन ही होगा, और क्वेश्चन कह रहा है इतना है, इक्वल कर दीजिए, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 19.2 × 10⁻¹⁹, और ये हो जाएगा 1.6। ई से डिवाइड करेंगे और ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और 12 तो ये आपने निकाल लिया कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड ने लॉस किए हैं, इससे 12 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और निकल गए तो किस पर पहुंचे, सिल्क पर, तो सिल्क की क्लॉथ पर कितना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, मानी बात है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इस पर किससे, रॉड से 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 12 ई का पॉजिटिव चार्ज आया, जहाँ 12 ई की वैल्यू इतनी है। ठीक, पहले हमने एन ही बोला था, लेकिन अब तो एन की वैल्यू पता लग गई ना 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से अगर रॉड पर 12 ई का पॉजिटिव चार्ज आया है, जो कि इतना है, ठीक, तो सिल्क के क्लॉथ पर 12 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, तो उस पर 12 ई का माइनस चार्ज आ जाएगा, 12 ई का माइनस चार्ज मतलब इतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। वही सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, चार्ज एक्वायर बाय दी सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ पर कितना चार्ज होगा, जितना रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज होगा, माइनस 19.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, उसके बाद में थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, इसमें पार्ट सी में इज देयर ट्रांसफर ऑफ एनी मास, क्या इसमें किसी मास का भी ट्रांसफर हुआ है, जरूर हुआ है। याद रखिए, चार्ज ट्रांसफर अगर होगा तो मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से होता है, और इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक, अगर आपको पता हो, और नहीं पता तो याद करिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है, तो देख रहे हैं आप कितना कम है, −31 पावर है। अक्सर कभी कभी ऐसे टीचर पूछ देता है बच्चों से, ठीक, कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बोलता है वो जानबूझ के आ रहा है, ठीक, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बताइए इसका मास बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो अक्सर लोग सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो चार्ज आ रहा है तो मास बढ़ रहा होगा, नहीं, मास इसका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो इसका मतलब उसका मास जो है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। ठीक, तो वो पूछा है क्या यहाँ पर मास का कुछ ट्रांसफर हुआ है, जरूर हुआ है, 12 इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर गए हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना मास इधर से उधर गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन किससे किस में गए, रॉड से सिल्क क्लॉथ में, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से मास जो है वो रॉड का कुछ कम हो जाएगा, और सिल्क में आए हैं इलेक्ट्रॉन तो सिल्क के कपड़े का मास कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का के ट्रांसफर होने से रॉड टू क्लॉथ, मास का भी जो ट्रांसफर है वो रॉड टू क्लॉथ होगा। अब कितना मास, 12 इलेक्ट्रॉन गए तो 12 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक, तो टोटल जो मास ट्रांसफर हुआ है उसको एम से दिखाएं अगर, तो 12 × m। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 और ये है 9.1 × 10⁻³¹। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 12 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 109.2 × 10⁻³¹ kg। ठीक, या 1.092 × 10⁻²⁹ kg। देख लेना, आप कैलकुलेशन ठीक से कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे। ठीक, मेथड मैंने बताया, तो इतना मास, ये 12 इलेक्ट्रॉनों का मास है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन रॉड से क्लॉथ पे गए हैं, इसका मतलब इतना मास रॉड का कम हो गया है और सिल्क क्लॉथ का इतना मास क्या हो गया, बढ़ गया है, हालांकि ये बहुत कम है। ठीक है, यानी हमें मास में जो चेंज हुआ है वो हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन उससे पूछा था कि क्या यहाँ मास का कुछ ट्रांसफर हुआ है, तो इतने मास का ट्रांसफर हुआ है किधर से किधर की ओर, फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ठीक, ये मास जो है ट्रांसफर हुआ है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है, रॉड टू
सिल्क क्लॉथ, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको चार्जिंग बाई कंडक्शन बताया था कि दो चार्ज कंडक्टर या एक चार्ज और दूसरा चार्ज ना हो, उसको अगर कॉन्टेक्ट में लाते हैं, टच करते हैं, तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है, ठीक। उसी पर बेस है, देखते हैं जरा क्वेश्चन। ये तीन आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स हैं, ए बी और सी, यानी आइडेंटिकल मतलब समरूप, एक जैसे, तीन धातु के गोले हैं ए बी सी, ठीक। ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस टू क्यू चार्ज है और सी पर कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर सी को हम पहले ए से टच कराएं, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, ऐसे ही समझा रहा हूँ, एरो बना हुआ ऊपर लिखा है फर्स्ट, यानी पहले सी को ए से टच कराएं, उसके बाद फिर सी को बी से टच कराते हैं, ठीक है, और फिर तीनों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमें बताना है कि इन तीनों पर नया चार्ज कितना कितना होगा, ठीक। तो जब आप ये ध्यान रखें पहले तो कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर, दो एक जैसे चालक स्पर्श कराए जाते हैं, आइडेंटिकल का मतलब एक जितना बड़ा है दूसरा भी उतना ही बड़ा हो, ठीक है, तो दो आइडेंटिकल कंडक्टर जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी आवेश का एक से दूसरे में जाना तब बंद हो जाता है जब दोनों में चार्ज इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तभी तक होता है जब वो आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, अगर वो एक जैसे नहीं हैं, ठीक, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, तो आप पाएंगे दोनों में चार्ज इक्वल नहीं हुआ। वास्तव में चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो चार्ज की क्वांटिटी पर नहीं बल्कि पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल अभी आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पोटेंशियल का क्या खेल होता है चार्ज इधर से उधर जाने में। लेकिन यहाँ पर ये रूल तो लगता है, ठीक है, कि अगर एक जैसे चालक हैं, आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी टोटल चार्ज दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब वो आइडेंटिकल हों, अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तब फिर पोटेंशियल अपना रोल प्ले करता है। पोटेंशियल रोल यहाँ भी प्ले करता है, लेकिन यहाँ ये जो रिजल्ट है वो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं कि एक जैसे हैं तो आवेश बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो देखिए जरा यहाँ पर, जब हम पहले ए और सी को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, स्फीयर ए और सी को जब कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो इस पर क्यू चार्ज है, इस पर जीरो है, तो सोचिए दोनों पर टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि टोटल चार्ज पहले निकालेंगे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज तो है क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, और अब ये दोनों बराबर बराबर बटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी पर जब ये क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्यू पे दो से डिवाइड कर दो, तो इस पर रह जाएगा क्यू बाई टू और इस पर आ जाएगा क्यू बाई टू, यानी ए से टच कराने के बाद सी को ए पर क्यू बाई टू रह गया और सी पर क्यू बाई टू रह गया, यानी ए का आधा चार्ज सी ले गया, ठीक। ये रूल नहीं होता कि आधा ले जाएगा, रूल ये कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोनों का इनिशियल चार्ज जोड़िए, ठीक है, भाई एक के पास 75 रुपये हैं, ठीक, और दूसरे के पास 225 रुपये हैं, ठीक, आपके भाई के पास 225 रुपये और मेरे पास, और मान ली किसी आपके पास 75 रुपये, आपके भाई के पास 225, आपकी मम्मी ने कहा ऐसा है दोनों बराबर बराबर पैसे बांटो, तो कैसे करेंगे आप, पहले दोनों के पैसे जोड़ेंगे, कितने हुए 300, और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यानी 150 और 150 ले लेंगे, ठीक, समझाई बात, ठीक है। तो पहले दोनों का चार्ज जोड़ा और फिर दो से डिवाइड कर दिया, इसको क्यू बाई टू, इसको क्यू बाई टू मिलेगा, यानी जब सी ए से हटा तो अब उस पर क्यू बाई टू चार्ज है। अब सी को आप बी से टच कराते हैं, तो जब सी को आप बी से टच कराएंगे तब क्या होगा, तब चार्ज फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब बी और सी को टच करा रहे हैं, बी पर माइनस टू क्यू चार्ज है और सी पर अब क्यू बाई टू चार्ज है, तो अब क्या होगा, पहले देखेंगे दोनों का टोटल चार्ज कितना है, तो जोड़ें टू क्यू में क्यू बाई टू, जब हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक, तो ये बचेगा आपका माइनस थ्री क्यू बाई टू, जोड़ लीजिए इसको, ठीक, तो माइनस थ्री क्यू बाई टू चार्ज बचेगा, और अब ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक, तो टोटल चार्ज अब दोनों पर इतना है और ये बराबर बराबर बटेगा, तो इसमें दो से डिवाइड कर दो, ठीक, तो इसका अलावा अब बी और सी पर दो से डिवाइड करेंगे तो माइनस थ्री क्यू बाई फोर और इस पर भी माइनस थ्री क्यू बाई फोर, माइनस थ्री क्यू बाई फोर और माइनस थ्री क्यू बाई फोर चार्ज आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ए बी और सी
पर टोटल चार्ज कितना है, मतलब सॉरी अलग अलग चार्ज कितना है, ए पर रह गया क्यू बाई टू, बी पर आ गया माइनस थ्री क्यू बाई फोर और सी पर आ गया माइनस थ्री क्यू बाई फोर। क्लियर है? ठीक। तो ए पर रह गया क्यू बाई टू, बी पर आ गया माइनस थ्री क्यू बाई फोर और सी पर आ गया माइनस थ्री क्यू बाई फोर। कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक। तो ये नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि जब आप सी को पहले ए से टच कराएंगे, फिर बी से टच कराएंगे, फिर तीनों को अलग अलग कर देंगे, तो उन पर नया चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक। तो ये नया चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया, ये नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ए पर क्यू बाई टू, बी पर माइनस थ्री क्यू बाई फोर और सी पर माइनस थ्री क्यू बाई फोर है। ठीक। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, ठीक, तो दोनों के इनिशियल चार्ज जोड़िए साइन सहित, अगर पॉजिटिव और एक निगेटिव तो साइन सहित जोड़िए, ये आ गया दोनों पर टोटल चार्ज कितना है, और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो उसमें दो से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। ठीक, चलिए अब क्या हुआ। ठीक, एक चीज़ और भी देख लें यहाँ पर, जरा देखिए पहले इन तीनों पर टोटल चार्ज कितना था जब टच वच नहीं कराया था तब, तो क्यू माइनस टू की और जीरो जोड़िए, तो दोनों पर तीनों पर नेट चार्ज जो था वो माइनस क्यू था। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इधर उधर हो गया चार्ज, लेकिन नेट चार्ज कितना है, क्यू बाई टू, इन सबको जोड़िए, थ्री क्यू बाई फोर और माइनस का थ्री क्यू बाई फोर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस थ्री क्यू बाई टू, और माइनस थ्री क्यू बाई टू में जब आप क्यू बाई टू जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। ठीक, तीनों को जोड़िए। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे नेट चार्ज माइनस क्यू है, पहले भी नेट चार्ज माइनस क्यू था, अभी भी नेट चार्ज माइनस क्यू है, इनका चार्ज अलग अलग बदल गया है। इस पर पहले क्यू था, अब क्यू बाई टू है, इस पर टू क्यू था माइनस का, इस पर अब माइनस थ्री क्यू बाई फोर है, उस पर कुछ नहीं था, उस पर माइनस थ्री क्यू बाई फोर है। चार्ज अलग अलग तो बदल गया, लेकिन नेट चार्ज जो टोटल चार्ज है वो पहले भी माइनस क्यू था और अभी भी माइनस क्यू है। इसका मतलब चार्ज जो होता है ये हमेशा कंजर्व रहता है। तो चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक से दूसरे में जा सकता है, दूसरे से तीसरे में जा सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। यानी चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है कि कुल आवेश जो है वो हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक, समझ में आ गई बात, तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दी है। ठीक, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक, फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ठीक, जिसमें बाद में जो एक दो न्यूमेरिकल्स बताए हैं, ठीक, इनको थोड़ा सा सीख लेंगे, क्योंकि ये तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इनमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक, मैग्नेट और रे ऑप्टिक्स, ये आपके यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं और कठिन यूनिट हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, वैसे कठिन कुछ होता नहीं है, ठीक है, कोई सरल सी चीज़ कभी कभी नहीं समझ में आती तो वो हमेशा कठिन लगती रहती है, और बहुत कठिन चीज़ हम लोग मन लगा के सीख लेते हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत सरल हो जाती है। कठिन और सरल जो है वो बस केवल इतना ही है कि अगर हमें समझ में आ गया तो सरल है, नहीं समझ में आया तो कठिन है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, इसके अलावा जो भी कोचिंग में, ठीक है, रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके पास नोट्स हैं तो वो नोट्स से भी इसको अपना पढ़ें। ठीक, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने नोट्स खुद बनाएंगे। ठीक, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, ठीक, कुछ पूछना अगर आपको है तो वो आप इंस्टीट्यूट में शाम को 5 से 6 में मिलता हूँ, उस समय आप आके हमसे बात कर सकते हैं, अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो। ठीक, क्लास 11th के बारे में बता दूँ आपको, क्लास 11th की भी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना है, वो भी शाम को 5 से 6 कोचिंग में आकर, प्रोसीजर क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 5 से 6 में आपको कोचिंग में मिलता हूँ, तो आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।